सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये है मेरे पास वन प्लस नोट, और वन प्लस नोट में दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने गूगल डायलर को यहाँ से रिमूव कर दिया था और वन प्लस का फोन एपीके जो है डाउनलोड करके, क्योंकि हम लोग को चाहिए था ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग बिना किसी वॉइस ओवर के। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देखेंगे कि ये जो है फ़ोन एप्लीकेशन है और यहाँ पे इसका आप वर्जन भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे अब कोई भी नंबर को अगर आप डायल करते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को कोई भी ऐसा जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों? यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसके सेटिंग में जाते हैं और जहाँ से हम लोग जाके यहाँ पे से इनेबल करते थे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, वो वाला ऑप्शन यहाँ से पूरे तरीके से यहाँ पे भाग गया है, मतलब हाइड हो गया है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, मैं दोस्तों बतलाता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये वन प्लस के हर एक डिवाइस में अभी आने वाला है। ये स्टार्ट हुआ है वन प्लस नोट से। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप ये ऑटो कॉल वाला रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उसको आप आसानी से ला सकते हैं फिर से दोबारा। दोस्तों इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग के लिए। सो दोस्तों न्यू वाला जो एप्लीकेशन है, मतलब फ़ोन एपीके है, उसको आप लोग को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले जो है चैनल पे आ जाएंगे, जहाँ पे इस वाले लिंक पे आप क्लिक करके नया वाला जो एप्लीकेशन है उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों जो एपीके रहेगा उसमें आपको पासवर्ड लगा हुआ होगा, तो आप लोग को नीचे कमेंट करना है। मैं आप लोग को नीचे कहीं पे भी कमेंट में या फिर इस वीडियो में आपको वो जो पासवर्ड है वो दे दूंगा। सिंपली आपको जेट अचीवर को डाउनलोड करना है और यहाँ पे से आप लोग को एक्सट्रैक्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग को इस वाले इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसको जो है होने देना है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे कर लिया है और सिंपली आपको ओपन नहीं करना है, डन करना है। अब जब आप यहाँ पे डन कर लेंगे तो आपको चलना है यहाँ पे मेन्यू बार में, और यहाँ पे से आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ़ोन एपीके पहले वाला था उसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और आप भी ऐसा ही कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पहले वन प्लस फ़ोन एपीके आता था, अब यहाँ पे टेलीफोन एपीके आता है। लेकिन अगर आप इसको इनेबल करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जब यहाँ पे कॉल आएगा तब भी आप लोगों को कुछ नहीं देखने के मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है और जितना भी परमिशन है वो आपको यहाँ से सभी को ऑन कर देना है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं बारी बारी से सब परमिशन जो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और उसके बाद एडवांस में जाता हूँ। जब आप एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ़ोन ऐप्स, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और उस पर आप लोग को क्लिक करके उसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, और सिंपली आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये जो है डिफ़ॉल्ट पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एडवांस में आके आप लोग को इसको भी अलाउ यहाँ पे कर देना है दोनों चीज़ को, और जब आप यहाँ पे अलाउ करेंगे फिर आप लोग को बैक चलना है। अब आप लोग को यहाँ पे डायलर को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे हिस्ट्री था वो आ जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप लोग को साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ दिखाई देगा, और उसी में यहाँ पे नीचे में दिखाएगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का। तो सिंपली आपको उसको जो है ओपन कर देना है, मतलब ऑन कर देना है। अब जब यहाँ पे आप कोई भी नंबर को आप डायल करेंगे तो यहाँ पे जैसे वो रिसीव होगा आप देखेंगे कि आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे सही तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ से बात करते हैं तो उसमें इसका जो भी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग है वो कॉल रिकॉर्डिंग तो होगा, लेकिन आवाज़ उसमें कुछ सुनाई नहीं देगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वायर ईयरफोन या फिर आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो हैंडसेट का ही यूज करें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये अगर दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस दोनों वीडियो को आप देखिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस